अक्सर हम देखते हैं स्कैल्प सोराइसिस और डैंड्रफ को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता उनके सर से उनके बालों से जो फ्लिंक्स झड़ रहे हैं वो डैंड्रफ की वजह से है या स्कैल्प सोराइसिस की वजह से है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं स्कैल्प सोराइसिस और डैंड्रफ के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। डैंड्रफ में आप देखेंगे आपके बालों से छोटे छोटे वाइट फ्लिंक्स झड़ेंगे और ये बिल्कुल भी स्केली नहीं होंगे, यानी इनकी कोई परत बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटे छोटे होंगे। और वहीं अगर हम सोराइसिस की बात करें तो सोराइसिस में आपके बालों से ना होकर वो आपके पैचेस से जड़ते हैं। जब आपके स्कैल्प में बहुत ज्यादा ड्राइनेस बन जाती है, डैंड्रफ में भी ड्राइनेस होती है, लेकिन स्कैल्प सोराइसिस में जो ड्राइनेस होती है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होती है, यानी यहां आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपकी बॉडी के स्किन सेल टर्नओवर टाइम को कम कर रहा होता है, जिसकी वजह से डेड स्किन सेल्स आपके स्कैल्प पर आकर स्टोर होने लग जाते हैं और पैचेस का रूप ले लेते हैं। स्कैल्प सोराइसिस की अपीयरेंस कुछ इस तरीके से हो सकती है, जो आपकी फोरहेड की लाइन है यहाँ पर आपको स्कैल्प सोराइसिस देखने को मिल सकता है, बैक तक ये लाइन जा सकती है, आपके स्कैल्प पर कहीं भी स्कैल्प सोराइसिस हो सकता है। लेकिन वहीं अगर हम डैंड्रफ की बात करें तो डैंड्रफ आपके जो पैचेस नहीं बनते डैंड्रफ के, उसके आपको फ्लैंक्स ही दिखेंगे छोटे छोटे, जब आप बालों में हाथ लगाएंगे झड़ जाएंगे वो फ्लैंक्स, और इसमें आपको हल्की सी खुजली हो सकती है। लेकिन वहीं स्कैल्प सोराइसिस की बात करें तो स्कैल्प सोराइसिस में आपको खुजली के साथ साथ बर्निंग सेंसेशन भी देखने को मिलती है, रेड पैचेस होते हैं जिन पर सिल्वर कलर की स्केली लाइन होती है, फ्लिंग्स होते हैं, और साथ ही साथ इनमें कई बार ब्लीडिंग भी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा ये पैचेस एग्रीवेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और जब इसमें आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल नहीं करते तो यहाँ ब्लीडिंग बहुत कॉमन देखने को मिलती है। इसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आपको आपके स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रही है तो ये स्कैल्प सोराइसिस होने के चांसेस होते हैं। वहीं एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, डैंड्रफ आपके बालों में, आपके सर पर हो सकता है, स्कैल्प पर हो सकता है, आपकी आईब्रोज में हो सकता है, आपकी चेस्ट के बालों में हो सकता है, और कंपैरेटिवली मैन और वुमेन की बात करें तो मैन में ज्यादा डैंड्रफ देखने को मिलता है। वहीं स्कैल्प सोराइसिस की अगर हम बात करें तो ये आपके स्कैल्प से होकर आपके चेहरे पर भी आ सकता है, आपके एल्बो पर भी सोराइसिस हो सकता है और आपके नीज पर भी हो सकता है, आपके शरीर में कहीं भी सोराइसिस हो सकता है जहां आपके शरीर पर बाल हो या ना हो, लेकिन डैंड्रफ जनरली हमें वहीं देखने को मिलता है जहां आपके शरीर में बहुत ज्यादा बाल हो, जैसे आपकी आईब्रो हो गई, आपकी दाढ़ी मूछ होगी। डैंड्रफ होने के कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे आपने कोई शैम्पू का इस्तेमाल करा वो सही से सूट नहीं हुआ, या फिर आप कोई ऐसा मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, कोई ऐसा ऑयल लगा रहे हैं जिसने आपके बालों में एलर्जी कर दी, उसकी वजह से आपको डैंड्रफ हो सकता है। वहीं स्कैल्प सोराइसिस किसी एलर्जी की वजह से नहीं होता, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस बताए हैं जिससे आपको अंदाजा लग सकता है कि आपके बालों से जो फ्लैंक्स झड़ रहे हैं वो डैंड्रफ है या स्कैल्प सोराइसिस की वजह से झड़ने वाली फ्लैंक्स हैं। जब आप इसका अंतर पता लगा लेंगे तो आप इसका ट्रीटमेंट भी सही समय पर शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर आप स्कैल्प सोराइसिस का ट्रीटमेंट सही समय पर शुरू नहीं करते तो ये आपके शरीर पर और फैल सकता है, जिसका ट्रीटमेंट लंबा हो जाता है, यानी उसको ठीक करने में ज़्यादा समय लगता है। कंपेरेटिवली अगर आपके स्कैल्प पर सोराइसिस की शुरुआत हुई है और आप उसको जल्दी डायग्नोस कर उसका सही ट्रीटमेंट चूज कर लेते हैं तो आप देखेंगे बहुत जल्दी रिकवरी होती है और आप स्कैल्प सोराइसिस फ्री हो सकते हैं। अगर आप स्कैल्प सोराइसिस या सोराइसिस के किसी भी टाइप को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप अपने सोराइसिस के पैचेस की फोटोज क्लिक कर इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी डॉक्टर की टीम खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको एक सही कंसल्टेशन और सही एडवाइस देगी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के थ्रू आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।